तो बच्चों आज इस क्रैश कोर्स के अंदर हम बात करेंगे वांट ऑफ फैक्टर और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे जो जेईई और नीट एग्जामिनेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, यहाँ मैं उनको कम से कम एक टिप देना चाहूँगा कि भाई हर सब्जेक्ट के डेली 50-50 मल्टीपल चॉइस आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। हर सब्जेक्ट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हर सब्जेक्ट के 50-50 डेली क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं। नीट एग्जामिनेशन में जितना समय बचा है, अगर आप हर सब्जेक्ट के रोज़ 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नीट एग्जामिनेशन तक आते आते 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और 6000 क्वेश्चन तैयार होने का मतलब आप अच्छे से समझ ही सकते हो कि कितनी सॉलिड तैयारी आपकी बनी रहेगी। तो इतना इस तरह से अपनी तैयारी को ज़रूर मेंटेन कीजिए। हम इस बात पे भी विचार कर रहे हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको चैप्टर वाइज कुछ सैम्पल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएं, तो आगे आने वाले एक दो दिन के अंदर हम डेफिनेटली इस बारे में विचार करेंगे। उसके लिए मुझे आपकी कंसर्न चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास क्वेश्चन आंसर आए, तो आप हमारे नंबर 8901076267 पे अपना यस और नो लिख के भेजिए, ताकि जिनका भी यस हमारे पास आएगा तो उनके पास हम वो सैम्पल क्वेश्चन उनके व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करेंगे। तो इस तरह से मेरी तरफ से जितने एफ़र्ट्स हो सकते हैं उतने एफ़र्ट्स मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन आपसे भी ये उम्मीद करूँगा कि आप बताई गई हर चीज़ को बहुत अच्छे से कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्रेशन यानी रिलेशन के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए। यहाँ पर आपसे उम्मीद ये भी की जाती है कि न्यूमेरिकल पोर्शन को भी आप साथ साथ प्रैक्टिसाइज ज़रूर करते रहें। मैं भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, लेकिन आपसे भी उम्मीद की जाती है कि आप भी उन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर मेंटेन करें। आइए वांट ऑफ फैक्टर सॉल्यूशन चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वांट ऑफ फैक्टर को आप अच्छे से जानते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फार्मूला कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेटेड यानी फार्मूले से जो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, अब एसिटिक एसिड के इस फार्मूले से अगर आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे 12 + 3 = 12, 16 + 16 + 1 ये आएगा 60। और एक होता है वो मॉलिक्यूलर मास जो एक्सपेरिमेंटली आप मेजर करते हैं, और एसिटिक एसिड का एक्सपेरिमेंटल यानी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आता है जो कि 120 होता है। तो कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आपके पास कितना आएगा, 0.5। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर उसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आप इस तरह से भी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। आज आगे आने वाले प्रॉब्लम्स में जो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे वांट ऑफ फैक्टर की किस तरह से प्रॉब्लम आती हैं और क्यों बच्चे उलझते हैं और कैसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपको आगे बताऊंगा। वांट ऑफ फैक्टर का दूसरा फार्मूला होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम इस फार्मूले का लीस्ट इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कई स्टेटमेंट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ये ज़रूर दिया जा सकता है कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन जिस फार्मूले का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। ये हमें याद रखना है। हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर के ये तीन फार्मूले हो गए। तीनों तरह के फार्मूलों में ये दो फार्मूले प्रॉब्लम सॉल्व के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले ज़रा इस थर्ड फार्मूले को देख लें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। आखिर इसका मीनिंग क्या हुआ जान लो ज़रा। जैसे NaCl आपके पास है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये देखा। तो अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर कहना है, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, एक सोडियम आयन एक क्लोराइड आयन यानी 2, इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ऐसे ही आपके पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड के अंदर डाइमराइजेशन, और इस तरह से आप देख पाएंगे कि हमारे पास यहाँ दो पार्टिकल और वहाँ एक पार्टिकल।
तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन 1, इनिशियल मोल 2, तो वन टू फैक्टर कितना आया 0.5। अभी मैंने इस फार्मूले से भी एसिटिक एसिड का वन टू फैक्टर बताया था और इस फार्मूले से भी, और अब आप समझ सकते हो कि वन टू फैक्टर दोनों ही फार्मूले से सेम आता है। ऐसे ही अगर आपसे कहते कि भाई आपके पास K4FeCN6 है, वन टू फैक्टर बताना है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स है, ट्वेल्थ में आपने पढ़ा ही है कि ये बाहर वाली चीज़ अलग और ये ब्रैकेट वाली चीज़ अलग और इस तरह से ये डिसोसिएट होगा। तो कितने पार्टिकल मिले आपको, 4+1 5, इनिशियल मोल कितना है 1, तो वन टू फैक्टर 5 रहेगा। इस तरह से आपने वन टू फैक्टर के बेसिस पे आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है। अब ज़रा एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ वांट हॉफ फैक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वांट हॉफ फैक्टर फैक्टर विल इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4। K2HgI4 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, काफ़ी बार वन टू फैक्टर के क्वेश्चन में आता है। ये बनता है Ki+HgI2 गिव्स यू K2HgI4, इसके मिलाने से बनता है। आपसे पूछते हैं जब ये प्रोसेस हो रहा है तो वन टू फैक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये कोवेलेंट कंपाउंड माना जाता है कि भाई ये डिसोसिएट नहीं होता, ये मान लेते हैं। तो अब आपको बताना है कि वन टू फैक्टर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। जब भी KI और K2HgI4 की प्रॉब्लम होती है वो आपको हमेशा अनबैलेंस्ड रिएक्शन दी जाती है। आपको इसको पहले बैलेंस करना है, 2 पोटाशियम 4 आयोडीन, तो इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2KI का मतलब क्या हुआ, 2K+2I-। कितने पार्टिकल हो गए आपके पास, 4 आयन। और जब ये टूटेगा तो ये क्या देगा, 2K+HgI4, तो आपके पास कितने आयन मिल रहे हैं, 3 आयन। यहाँ है 4, वहाँ है 3, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हुए। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होते हैं तो वन टू फैक्टर डिक्रीज होता है। तो हमारा जवाब होगा द वैल्यू ऑफ वन टू फैक्टर विल डिक्रीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ K2HgI4। ये खास तौर पे ध्यान रखना, अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन आता है K2HgI4 का, जहां आपको इस बात का इस्तेमाल करना सीखना है। अब यहां पर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये याद रखो। वैसे तो इसको डेराइव भी कर सकते हैं लेकिन अभी हमें डेराइव करने की जरूरत नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू I-1/N-1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है कि फ्रैक्शन डिसोसिएटेड आउट ऑफ वन मोल, कि एक मोल सब्सटेंस में से कितना फ्रैक्शन टूट रहा है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ऐसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर आपसे कहा तो आपको फार्मूला याद रहेगा, 1-IN/N-1, ये याद रहेगा। इन फार्मूलों को पहले गौर से अच्छे से समझ लो, N क्या है, वट इज द मीनिंग ऑफ N। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अंदर N का मतलब है नंबर ऑफ आयन्स, जैसे NaCl। NaCl जब टूटता है तो 2 आयन मिलते हैं, तो वहां NaCl का मतलब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। CaCl2 टूटता है, 3 आयन मिलते हैं, तो N की वैल्यू 3। तो कितने आयन मिलते हैं वो N की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन में पार्टिकल कंबाइन होते हैं। अब एसोसिएशन के दौरान N क्या होगा, N होगा 2 अगर आपको डाइमर फॉर्मेशन कहा है, N होगा 3 अगर आपको ट्राइमर फॉर्मेशन कहा है। अगर कुछ भी नहीं कहा तो हम बाय डिफॉल्ट हमेशा N की वैल्यू को 2 कंसिडर करते हैं, हमेशा उसको 2 ही माना जाता है, ये ध्यान रखें। इस तरह से अगर डिसोसिएशन का न्यूमेरिकल आता है, एसोसिएशन का आता है। और अगर आपसे कहते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन या परसेंटेज एसोसिएशन,
अल्फा इंटू 100, ये फार्मूला हमें यहाँ पे याद रहेगा। तो वांटो फैक्टर की कुछ ऐसे टिपिकल प्रॉब्लम होती हैं जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अदरवाइज डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को, इन फार्मूलों को सामने रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होंगी, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। नाउ लेट्स सी, पहला क्वेश्चन आता है फाइंड आउट आई यानी वांटो फैक्टर फॉर NaCl इफ इट इज 100% डिसोसिएटेड। इफ इट इज 100% डिसोसिएटेड, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0.5, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। वांटो फैक्टर बताना है अगर NaCl 100% डिसोसिएट हुआ। ये मैंने समझाने के लिए एक आसान क्वेश्चन दिया है, लेकिन इसी तरह के अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। आई बताना है जब ये 100% डिसोसिएटेड है, परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया है। ऐसा कीजिए, पहले आप इस परसेंटेज डिसोसिएशन से अल्फा की वैल्यू निकाल लो। परसेंटेज डिसोसिएशन 100 है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1, अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले फार्मूले के अंदर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, आई माइनस 1 एन माइनस 1। अल्फा हमारे पास 1 आ चुका है, अल्फा हमारे पास 1 आ चुका है, आई हमें निकालना है माइनस 1, एन माइनस 1, एन कितना है क्योंकि NaCl है, एन मैंने बताया कितने आयन्स मिलते हैं, NaCl 2 आयन देता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो n की वैल्यू होगी 2 माइनस 1 यानी 1 i माइनस 1 अपॉन 1 या i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 यानी वांटो फैक्टर की वैल्यू रहेगी 2, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट रहेगा। ये तो मैंने सबसे सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पर ली, इसको सॉल्व करके देखा। अब बारी है आपकी, अब आप तैयार हो जाओ और ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई आपके पास NaCl है जो 80% डिसोसिएट हो रहा है, आपको बताना है वहाँ पर वांटो फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी। NaCl इज 80% डिसोसिएट, ऑप्शन आपके पास गिवन है, इन ऑप्शन के अंदर चलो हम बदलाव भी कर देते हैं, चलो यही सही है, 1, 2, 0.5, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बस कंडीशन में इतना बदलाव किया कि 80% टूट रहा है, पहले क्या निकालोगे अल्फा, अब अल्फा कितना आएगा, परसेंटेज आयनाइजेशन 80 है, अल्फा इंटू 100, तो इसको सॉल्व करके अल्फा कितना आ गया 0.8, अल्फा आ गया 0.8। नाउ अल्फा वाला फार्मूला आई माइनस 1 एन माइनस 1, अल्फा कितना आ गया 0.8 इज इक्वल टू आई माइनस 1, एन NaCl में एन कितना बताया था, ये 2 माइनस 1, सो नाउ आई कैन से आई इज इक्वल टू 1 प्लस 0.8 1.8, ये हमारा जवाब है, आई की वैल्यू 1.8 यानी नन ऑफ दीज, ये हमारा ऑप्शन रहेगा। बहुत ध्यान से वांटो फैक्टर की इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बढ़िए आगे, अब आगे चलते हैं, देखो नाउ लेट, अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपके पास CaCl2 है, आपके पास CaCl2 है और ये 80% डिसोसिएट हुआ है, CaCl2 80% डिसोसिएट हुआ है, आपको यहाँ पर बताना है कि इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, क्या वैल्यू रहेगी, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। 80% डिसोसिएट हुआ है, 80%, इसका मतलब सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकाल लें, सो दिस इज 80 अल्फा इंटू 100 और अल्फा इज इक्वल टू 0.8 आ गया। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फार्मूला आई माइनस 1 एन माइनस 1, अल्फा है आपके पास 0.8 आई माइनस 1, नाउ एन की वैल्यू CaCl2 3 आयन मिलेंगे, 1 कैल्शियम 2 क्लोराइड, सो दिस इज 3 माइनस 1 और वी कैन से 0.8 इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 2
और आप कहोगे 0.8 इंटू 2 इज इक्वल टू आई माइनस 1 और 1.6 प्लस 1 आई और आई इज इक्वल टू 2.6 यानी बी पार्ट ग्रेटर देन 1 ये आपका जवाब बनेगा। इस टाइप से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुश्किल नहीं है, आप देखो आसानी से होते हैं, बस उस अप्रोच तक पहुंचने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से उस अप्रोच तक पहुंच पाते हैं। अब अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करना, कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। फाइंड आउट आई फॉर एसिटिक एसिड, आई फॉर एसिटिक एसिड इफ इट अंडरगो 80% एसोसिएशन, 80% एसोसिएशन, 80% एसोसिएशन हुआ। ऑप्शन में है ए 0.5, बी 1, सी 0.6, डी 0.8, ये आपके पास है। आई बताना है एसोसिएशन। अभी तक हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता रहे थे, लेकिन अब एसोसिएशन। कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर को चेक करो। अब जो बच्चे इस वक्त इस वीडियो के साथ साथ देख रहे हैं वो ज़रूर कोशिश करें कि मेरे बताने से पहले इस आंसर को बता दें, क्योंकि एक बार मेथड आ जाए तो चीज़ें अपने आप होती हैं। परसेंटेज एसोसिएशन, तो पहले आप परसेंटेज से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कितनी आएगी 0.8 ये आएगी। फिर एसोसिएशन वाला फार्मूला अल्फा 1 माइनस आई और एन अपॉन एन माइनस 1, अल्फा है हमारे पास 0.8, नाउ 1 माइनस आई, अब एन कितना लेंगे, मैंने कहा था 2 डाइमराइजेशन के लिए 3 ट्राइमराइजेशन के लिए, कुछ भी नहीं दिया गया है तो हमेशा डाइमराइजेशन मानना है, 2 अपॉन 2 माइनस 1, और ये सॉल्व करेंगे तो 0.8 1 माइनस आई इंटू 2, कि 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा 2 माइनस 2 आई, और वी कैन से 2 आई इज इक्वल टू 2 माइनस 0.18 ये रहेगा, और ये सॉल्व करके कितना आएगा आपके पास 1.2, आई इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 2.6, यानी आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी ये रहेगा। इस टाइप से समझो, जानो, चीज़ों को सॉल्व करो, कोई भागा दौड़ी नहीं, लेकिन समझते हुए इन चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन की टाइप को बदलता हूँ। देखो, कई बार जब मैं वीडियो प्रीमियर पे लगाता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि आप जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं उसके साथ साथ जवाब दिए जाएँ। तो कोशिश क्या करें, पढ़ाई भी करें लेकिन जवाब भी, ठीक है कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली आंसर मिलेगा, लेकिन कोशिश ये किया करो कि साथ के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखते हैं आप में से कौन बच्चा इस क्वेश्चन तक पहुंच पाता है। कैलकुलेट ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास फॉर एनएसीएल इफ इट इज 60% डिसोसिएटेड, 60% डिसोसिएटेड। ऑप्शन नंबर ए 58.5, 29.25, 36.5, नन ऑफ दीज, ये है। नाउ बच्चों, शो मी योर स्किल्स और योर स्टंट्स, ट्राई करें, हमारे पास सारा मैटर सामने है। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालना है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ, जान लगाओ और देखो आपका जवाब कहाँ तक क्या पहुँच सकता है, पहुँचने की कोशिश करो, देखो कैसे। हिंट के तौर पे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास यानी हमें ये निकालना है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो इसका फार्मूले से होगा वो रहेगा, करोगे ट्राई, मैं बताता हूँ। चलो पहले निकाल लो अल्फा, 60% अगर डिसोसिएशन है तो मैं कह सकता हूँ 60 अल्फा इंटू 100 और ये अल्फा आपके पास कितना आएगा 0.6, अल्फा 0.6। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो फार्मूले से आता है
और NaCl के लिए ये फार्मूले से आएगा 58.5 ये आएगा। अब आपको I चाहिए, अल्फा है, अल्फा से आप I की वैल्यू तक पहुंचेंगे, अल्फा से I, क्योंकि ये परसेंटेज डिसोसिएशन है तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फार्मूला लेंगे। अल्फा है आपके पास 0.6, I निकालना है, N NaCl के लिए N की वैल्यू 2 मैंने अभी आपको बताया था, और इस तरह से सॉल्व करके I इज इक्वल टू 1.6 ये हमारे पास बनेगा, I इज इक्वल टू 1.6 बनेगा। I आपके पास 1.6 आ गया, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है तो आप जानते हैं I इज इक्वल टू MC अपॉन M ऑब्जर्व। I है आपके पास 1.6, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास 58.5, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 58.5 अपॉन 1.6 ही आपके पास, जो कि सॉल्व करके 36.5 ये बनेगा। हो गया आसानी से, करने की ज़रूरत थी, थोड़ा सोचने की ज़रूरत थी, न्यूमेरिकल होने में कुछ भी खास दिक्कत नहीं। एक लास्ट न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करेंगे और देखते हैं करेक्ट आंसर तक पहुँचते हैं या नहीं। मैं सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा, मेथड आपका यही है, मेथड में कोई भी बात अलग नहीं है। कैलकुलेट ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास फॉर CaCl2 इफ इट इज 80% डिसोसिएटेड, और ऑप्शन में है आपके पास 111, 42.6, 57.4, 190। ये क्वेश्चन दिया, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको मानते हुए सॉल्व करो, वो कोशिश करो जवाब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से ही मैच करता हुआ आए। पहले अल्फा निकालो, फिर इसका कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, क्लोरीन का 35.5, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास 111 आएगा, और फिर इस फार्मूले की हेल्प से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ये जवाब आपका यहाँ पर बनना चाहिए। तो इस तरह से वांटो फैक्टर के बेसिस पे जो जो प्रॉब्लम बनती थी, जो ऐसी प्रॉब्लम टिपिकल प्रॉब्लम होती थी, वो हमने यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता दी। एक और लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें, फाइंड आउट वांट ऑफ फैक्टर फॉर यूरिया यानी NH2CONH2, इसका वांट ऑफ फैक्टर बताना है क्या होगा, क्या ये हमारे पास 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या ये 1 होगा, इसका वांट ऑफ फैक्टर हमें बताना है। अब ध्यान रखो, बता सकते हो क्या जवाब बनेगा? सिंपल फार्मूला, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, ये हमारा फार्मूला बनता है। अब I की वैल्यू निकालनी है, कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज फ्रक्टोज वगैरह, या यूरिया हो, ये डिसोसिएट नहीं होता, इनमें डिसोसिएशन नहीं होता, यानी यूरिया अगर ऐसे है तो ये ऐसे कैसे बना रहेगा, डिसोसिएशन नहीं होगा। हमारे पास एक और ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, अब ये डिसोसिएशन नहीं होता, अब क्या मानते हो, क्या इसका वांट ऑफ फैक्टर 0 आएगा, डिसोसिएशन नहीं होता, क्या लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन 1, इनिशियल 1, 1/1, 1, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरह से बच्चों ये हमारा वांट ऑफ फैक्टर का टॉपिक था, और इस टॉपिक के थ्रू हमने आने वाली इन डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को समझा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लिख लिख के प्रैक्टिस भी करते होंगे, और जो हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सोच रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करने के, तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर बताया 8901076267, उस पर आप अपना मैसेज, अपने नाम, अपना स्कूल और आप कहाँ से हैं वो आप उस पर लिख के भेजिए, डेफिनेटली आपके पास हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज पाएंगे। ऑल द बेस्ट।